हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को मिरर्स के बारे में बताने वाला हूं कि मिरर्स को हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं अपनी कार का और अपनी बाइक में भी। दोस्तों हमें मिरर सेट करके रखने चाहिए, लेकिन नॉर्मल ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक में मिरर्स जो है रहते ही नहीं है, लोग रखते नहीं है। और बाइक में मिरर्स ना रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन हमारे देश में जो दोस्तों ट्रेन के जो गेट होते हैं ट्रैफिक वाले या कोई से भी, दोस्तों ज़्यादातर लोग मिरर्स इसीलिए नहीं रखते कि हमें कभी गेट के नीचे से निकालनी पड़ जाए या फिर कहीं से भी तो हम निकाल सकें। दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले तो हमें जो रेलवे क्रॉसिंग के जो गेट्स होते हैं उन पे हमें अगर गेट बंद करा हुआ है या गेट बंद किया हुआ गेटमैन ने, तो हमें पार किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बंद किया हुआ होता है, क्योंकि ट्रेन आने वाली होती है तभी बंद किया जाता है और वैसे नॉर्मली बंद नहीं किया जाता है। आप आसानी से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं या खुद भी निकल सकते हैं। तो जब गाड़ी और मिरर्स जो है हमें बिल्कुल भी नहीं खोल के रखने चाहिए, खासकर इस चीज़ के लिए। तो अभी गेट की बात दोस्तों छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि मैं इसमें मिरर्स की सेटिंग बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपनी अगर बाइक है तो मिरर बिल्कुल भी ना खोल के रखें और उसको रियर व्यू के तौर पर रखें, और वो रियर व्यू के तौर पर ही होते हैं बाइक में। अगर कुछ लोग लगा के भी रखते हैं तो वो शो पीस के इस तरीके से लगा लेते हैं उसको आगे से, वो नहीं करना चाहिए। बाइक में भी हमें मिरर्स लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हमें जब टर्न लेना होता है या फिर कोई हॉर्न बजा रहा पीछे से तो वो देखने के लिए हमें होता है मिरर्स, कि हम पीछे देख सकें। और दोस्तों बाइक का तो हो गया ये, अब मैं फोर व्हीलर की बात कर लेता हूँ। दोस्तों नॉर्मली सब जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बरेली में रहता हूँ और बरेली में दोस्तों बहुत ड्राइवर्स ऐसे हैं जो बहुत से लोग हैं, खासकर जो जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं और जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा उस्ताद ड्राइवर समझते हैं, वो लोग मिरर्स को सेट ही नहीं करते हैं, मिरर्स को खोलते ही नहीं है, वो मिरर्स को बंद ही रखते हैं गाड़ी के, और केवल ये शायद ये रियर व्यू मिरर्स अंदर का सेट करते होंगे, नहीं करते होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन बाहर से मैंने देखा है कई गाड़ियों वो मिरर्स को सेट ही नहीं करते हैं, वो मिरर्स को बंद ही रखते हैं, जैसे कि ये मिरर्स हमारे शक्ल देखने के लिए हों। ये मिरर्स हमें रियर व्यू के लिए होते हैं, हमारी गाड़ी की साइड देखने के लिए होते हैं, कोई हॉर्न बजा रहा है तो हमें बचाना है या टर्न लेना है इसके लिए होते हैं। और जो हमारा जो अंदर में रियर व्यू मिरर लगा होता है ये वाला, ये तो दोस्तों हमें केवल बैक साइड का दिखाई देता है, और इसको देखने के लिए दोस्तों एक चीज और है कि अगर आपका पीछे जो पार्सल ट्रे होती है उसको कुछ भी ना रखें, ताकि आपको रियर व्यू जो है आसानी से दिखाई दे सके। और खासकर नए ड्राइवर जो होते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको पहले ही एक्सपीरियंस नहीं होता है, ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। अब मैं बताता हूँ कि आपको स्टार्ट किस तरीके से करने हैं मिरर्स को, और चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। दोस्तों सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमें जो मिरर सेट करना है अपना, इस तरीके से सेट करना चाहिए ताकि हमें गाड़ी का थोड़ा हिस्सा दिखता रहे। अगर हम सिटी में ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमें हमारी गाड़ी का हिस्सा दिखना बहुत जरूरी है, और फ्रंट का भी इस तरीके से सेट कर लें अंदर का, और बैक का राइट साइड का भी इस तरीके से सेट कर लें ताकि हमें थोड़ी सी गाड़ी दिखती रहे अपनी, और थोड़ा सा एरिया हमें बाहर का नजर आता रहे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो हम हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हैं उस समय हमारी सेटिंग ये नहीं रहनी चाहिए शीशे की, हमारे जो मिरर्स हैं उसकी सेटिंग ये नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग इस मिरर में देख पा रहे होंगे ये आपको केवल रोड ही रोड दिखाई दे रहा है और मेरी गाड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं दिखा दूं आप लोगों को, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो रेलवे लाइन, ये जो गार्ड लगे हुए हैं, अभी ये मुझे मिरर्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बराबर से मान लीजिए कोई मेरे हाईवे पर ओवरटेक कर रहा है लेफ्ट से या राइट से, ये राइट से भी ये लगे हुए हैं तो राइट से भी, राइट में भी नहीं दिख रहे होंगे ठीक से, ये काफी दूर से दिख रहे हैं पीछे के। तो अब यहीं पे दोस्तों सेटिंग क्या करनी है मैं बता देता हूँ। अब जैसे मैं लेफ्ट में दिखाता हूँ क्योंकि ये पास में है थोड़ा, तो लेफ्ट में हमें थोड़ा वाइड करके रखना चाहिए ताकि हमें जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है वो दिखता रहे, हमें गाड़ी का हिस्सा, ये देखिए गाड़ी का हिस्सा दिखा थोड़ा सा, अब हमें गाड़ी का हिस्सा दिखने से थोड़ा ज्यादा कर लेना चाहिए इस तरीके से। और ये दोस्तों दोनों साइड की सेटिंग करके रख लें इस तरफ की भी, थोड़ा सा वाइड कर लें, क्योंकि हमें गाड़ी की साइड देखने की जरूरत सिटी में पड़ती है और हाईवे पर नहीं पड़ती है इस तरीके से, तो हमें ब्लाइंड स्पॉट का एरिया भी दिखने लगेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स आते हैं जिनको हम दोस्तों अपने रियर व्यू मिरर्स पर लगा सकते हैं, वो लगवा ले चाहें तो आप वो इस जगह पे लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी के इस जगह पे लगा सकते हैं, ताकि आपको जो
बिल्कुल बराबर में कोई चीज क्रॉस कर रही है गाड़ी को या फिर ओवरटेक कर रही है तो आसानी से कर सके। तो ये दोस्तों मिरर की सेटिंग है। और दोस्तों जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, मेरी सलाह है या फिर जो भी चाहे आप मान सकते हैं कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो ट्रैफिक नियमों का ठीक से पालन करें, सीट बेल्ट ठीक से लगा लें और साथ ही नंबर प्लेट जो हम लगाते हैं गाड़ी पे वो हमारी वैलिड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नंबर कटा हुआ हो या हमने किसी स्टाइलिश तरीके से नंबर लिखवा रखा हो, ऐसा ना करें, नंबर ठीक से लिखवाएं ताकि आपको कभी भी RTO या कोई मिले चेकिंग करते समय तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमें ट्रैफिक नियमों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत हो सके। धन्यवाद दोस्तों।